हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन लर्न एंड अर्न वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर द बिगनर सीरीज। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द विजगेट्स, हाउ टू यूज विजगेट्स इन द साइड बार। पहले हम ये दो लाइन का डेफिनेशन देखेंगे और इसके साथ में फिर आपको प्रैक्टिकली आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह से विजुअलाइजेशन होता है और किस तरह से विजगेट्स को हम अपने वेबसाइट या वर्डप्रेस के ब्लॉग में यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कि हम बैनर एड कैसे लगाएं, इमेज कैसे लगाएं, गूगल एडसेंस का कंटेंट्स हम विजगेट्स में क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं वो भी मैं इसको आपको बताऊंगा। वीडियो में भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो को कंटिन्यूस देखिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें ताकि और भी लोग इससे बेनिफिट उठा सके। सो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। वर्डप्रेस विजगेट्स, WPW भी बोलते हैं, इज लाइक ए प्लग इन। ये प्लग इन के जैसा होता है, मीन्स एक प्री डिफाइंड कंटेंट हमारा रहता है जिसको हम प्लेस कर देते हैं लाइक ए प्लग इन। प्लग इन का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। जिन लोगों ने अभी मेरा प्लगइन का वीडियो नहीं देखा है व्हाट इज प्लगइन, वो ऊपर से आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो बट डिजाइन टू प्रोवाइड ए सिंपल वे टू अरेंज द वेरियस एलिमेंट ऑफ योर साइड बार कंटेंट नाउ एज विजगेट्स। वेबसाइट के ऊपर साइड बार यूज कर सकते हैं। तो अभी इसमें देखते हैं साइड बार क्या है। जो लोग एकदम फ्रेशर है उनको वो भी नहीं पता होगा, तो देख लेते हैं साइड बार क्या है। साइड बार में भी टाइप होते हैं। सो चलते हैं हमारे वर्डप्रेस की वेबसाइट की तरफ और डैशबोर्ड में। सो दोस्तों, ये है वर्डप्रेस का मेरा फ्रंट एंड। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि विजगेट्स क्या है एंड विजगेट्स को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले मैं एक पोस्ट ऑन कर लेता हूँ। देखिए, ये पोस्ट ऑन हो गया है। ऊपर का जो हमारा पार्ट है वो हेडर पार्ट कहलाता है, जितना कि आप सब जानते होंगे। ये हमारा बॉडी पार्ट हो गया, जितना भी ये पार्ट है। एंड ये यहाँ पर जो ऑप्शन है राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये कहलाता है साइड बार। ये हमारा साइड बार है। तो साइड बार में जो टाइप होते हैं वो लेफ्ट साइड बार और राइट साइड बार। ये हमारा राइट साइड बार है और एक साइड में जो इस साइड में जो आता है कंटेंट वो आपका राइट साइड बार हो जाता है। तो अभी ये लेफ्ट साइड बार राइट साइड बार आता कैसे है, ये डिपेंड्स होता है टोटली थीम के ऊपर कि थीम में क्या फीचर्स दिया हुआ है। सो अभी हम चलते हैं हमारी थीम की ओर। सबसे पहले आप चलेंगे थीम के कस्टमाइजेशन के ऊपर। ये देखिए, कस्टमाइजेशन के ऊपर यहाँ से हम चलते हैं। हमारा एक्स्ट्रा थीम जो हमने लास्ट वीडियो में व्हाट इज़ द थीम, थीम क्या होता है, कैसे इसको सर्च करें, कैसे इंस्टॉल करें, वो वीडियो भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। देखिए, थीम के अंदर ये हमारा सेटिंग्स है जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये साइड बार का एक यहाँ पर ऑप्शन दिया है। यहाँ पर आप क्लिक करिए तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है डिफॉल्ट साइड बार क्या है, राइट साइड बार जो हमने यहाँ पर देखा। ये जो थीम है ये दो टाइप के साइड बार दे रहा है और तीसरा नो साइड बार ऑप्शन है, यानी हमारा जो थीम है वो पूरा फुल विड्थ में पूरा कंटेंट दिखाएगा। या तो आप लेफ्ट साइड बार रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं अभी लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो जो मेरा ये राइट साइड का कंटेंट है ये देखिए चेंज हो गया। तो इधर हम लेफ्ट साइड बार कर सकते हैं या फिर राइट साइड बार कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ये थीम में ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन जो है फीचर जो है वो थीम के ऊपर डिपेंड करता है। अभी पेजेस के अंदर भी आपके पास दो ऑप्शन है, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार और नो साइड बार। ब्लॉग पोस्ट के अंदर भी आपके पास दो ऑप्शन है, किसी किसी थीम में तीन ऑप्शन भी होता है, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार एंड मिडिल में आपका कंटेंट होता है। आर्काइव पेज में भी मैं समझता हूँ, हाँ यहाँ पर भी तीन ही ऑप्शन दिए हुए। अच्छा, इस थीम में ये यहाँ पर एक और फीचर दिया हुआ है कि आपको साइड बार का विड्थ कितना रखना है। देखिए, ये मैंने 20% कर दिया तो यहाँ का कंटेंट मेरा ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। तो ये है फीचर्स वर्डप्रेस के अंदर कस्टमाइजेशन करने का विजगेट्स को। आप देख सकते हैं यहाँ का एरिया छोटा हो गया, अगर मुझे यहाँ का एरिया बड़ा करना है तो मैं यहाँ पर 40% दे दिया और ये मेरा एरिया हो जाता है बड़ा। वर्डप्रेस के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। ये आपको सब सीखने के लिए मैं आपका कंटिन्यूसली वीडियो सीरीज चालू है हमारा। इसको हम लेट 33% ही रहने देते हैं या 30% रहने देते हैं जो कि इनफ है एक। और इसके अलावा हमने लेफ्ट साइड बार राइट साइड बार कर दिया। ये तो आपके साइड बार डिफाइन हो गए। अभी साइड बार के अंदर हमारा आता है विजगेट्स, इसको हम लेट्स पब्लिश कर देते हैं एंड वन स्टेप बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ से आपको देखेंगे तो विजगेट्स। अभी लेफ्ट साइड बार और राइट साइड बार में जो भी कंटेंट आता है वो थ्रू द विजगेट्स आता है। विजगेट्स क्या है इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेन विजगेट्स के पेज पर। ये कस्टमाइजेशन की तरफ से भी आप कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा ये देखिए विजगेट सेक्शन खुला हुआ है। और विजगेट सेक्शन में ये मेन साइड बार है। अगर हमारा थीम के सेटिंग के थ्रू लेफ्ट साइड बार डिफाइन है तो ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट में आ जाएगा। अगर राइट साइड बार डिफाइन है तो ये राइट साइड बार आ जाता है, काम आता है हेडर के अंदर।
वो आपके फ़ोन नंबर्स, ईमेल्स आईडी और सोशल मीडिया लिंक्स, ये सब सारी चीज़ें थ्रू द आप यहाँ पर विडगेट्स के टाइप है, ये डिफ़ॉल्ट विडगेट्स हैं और कुछ विडगेट्स जो है वो थीम की तरफ से आते हैं। सो आर्काइव हो गया, ऑडियो हो गया, कैलेंडर, कैटेगरी, कस्टम एचटीएमएल, यहाँ पर आपको कोडिंग करना पड़ेगा, जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं या फ़ोन नंबर से वहाँ से आ जाते हैं, गैलरी, मेटा, स्लाइडर्स, नेविगेशन मेनू। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको गूगल एडसेंस आपके वर्कप्लेस वेबसाइट पे लगाना है तो हेडर इज़ द गुड प्लेस, कि वो सारे पेज का कॉमन होता है और यूजर्स आपका किसी भी पेज पे विजिट करेगा तब आप यहाँ से उस एडवर्टाइजमेंट को दिखा सकते हैं। तो अर्निंग करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस जो रहता है वो हेडर एंड साइड बार पर ही लगता है। सो यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेन साइड बार में हमारे कौन कौन से विडगेट्स हैं। देखिए, पहला जो विडगेट्स है वो सर्च विडगेट है, जिसको हमने यहाँ से यहाँ पर अभी सर्च विडगेट्स अवेलेबल था, सर्च विडगेट्स। इसको आपको क्या करना है, सिंपली आपको कौन से साइड बार में ऐड करना है तो वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे हेडर में ऐड करना है तो मैं हेडर दे सकता हूँ, फुटर में ऐड करना है तो फुटर दे सकता हूँ। यहाँ पर हमारा मेन साइड बार है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड विडगेट्स कर सकते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे, देखिए सर्च वाला हमारा यहाँ पर ऐड हो गया। अगर आपको कुछ सर्च का टाइटल देना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सर्च, और उसके बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है। देखिए, हमारा ऊपर ऑलरेडी सर्च का विजिट लगा हुआ है, पहले मैं इस सबको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में इजी रहे। ये विजिट्स जो है वन बाय वन आपको डिलीट करना रहेगा या वन बाय वन ही आपको ऐड करना रहेगा। इसमें एट ए टाइम आप बल्क कुछ भी नहीं कर सकते कि एक साथ आप सारे प्लगइन्स, सारे विजिट्स को ऐड करें या रिमूव करें। तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट विजिट्स आ गया है मेन साइड बार में सर्च के नाम से। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, तब भी आपका ये आ जाता है। सो यहाँ पर हमने ये विजिट्स को टॉप पर ले लिया, अभी हमारा एक ही विजिट्स है। और उसके बाद लेट्स हम अपनी साइट को प्रीव्यू करते हैं। यहाँ पर सेव नहीं करना है, सेव करने के बाद आपको डन करना है। तो देखिए, ये जो हमारा सर्च का ऑप्शन है यहाँ पर टॉप पर आ जाता है, और ऊपर ये सर्च भी लिखा हुआ है, ये सर्च हमारा लेबल के थ्रू यहाँ से आ रहा है, टाइटल के थ्रू। इसके अलावा आपको अगर बहुत सारी आपकी कैटेगरीज है तो आप कैटेगरीज का विजगेट्स भी यूज कर सकते हैं। कैटेगरी में आप दे सकते हैं टॉप कैटेगरी, वो क्या देना है वो आपके डिपेंड्स है आपके कंटेंट के ऊपर। इसके अलावा इसमें फीचर दिया है डिस्प्ले एज ए ड्रॉप डाउन, शो पोस्ट काउंट, शो हायरार्की, और ये बेसिक कैटेगरी है। इसके अलावा एक और विजगेट्स आता है, एक प्लगइन्स आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, कैटेगरी विथ थंबनेल। सो इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद डन किया है, और यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हमारा विजगेट्स यहाँ पर दिखेगा। तो देखिए, टॉप कैटेगरी हमने टाइटल में दिया, डेस्कटॉप और लैपटॉप, ये हमारा टाइप कैटेगरीज आ गए। कोई भी क्लिक करेगा तो लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जितने भी पोस्ट होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अभी इसके अलावा हमारा जो हेडर विजगेट्स है, हेडर विजगेट्स में हम देख लेते हैं। हेडर विजगेट्स में हम, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ HTML कस्टम कोड लगाना है, आपको एडसेंस का कोड लगाना है, तो एडसेंस का कोड यहाँ पर आप कैसे लगाएंगे? तो टाइटल में आप कुछ भी मत दीजिए, छोड़ दीजिए ऐसे ही। एंड एडसेंस का कोड जो है डिपेंड्स, जब तक कि साइट अप्रूव नहीं होती, दूसरी साइट का हम कोड यूज़ नहीं कर सकते। सो बेसिक, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक इमेज कोई ले लेता हूँ, उस इमेज को हम यहाँ पर दिखाते हैं। सो हमारा ये है मीडिया लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं ताकि हमें एक इमेज का पाथ मिल जाए। सो अभी हमारे पास यहाँ पे दो ही इमेजेस है, सो लेट्स ऐड वन मोर इमेज। सो मुझे मिला है ये इमेज जो कि बैनर के हिसाब से बहुत सूटेबल है टॉप के ऊपर। सो ये इमेज मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया है, और इस इमेज का जो पाथ है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये इमेज है मेरा जिसको मुझे यहाँ पर यूज करना है एज ए हेडर। सो जस्ट इसको मुझे कॉपी पर किया, और यहाँ पर मैं HTML में अपना विजगेट्स में आ गया, जहाँ पर मैंने HTML हेडर लिया है। सो यहाँ पर मैं इमेज को इंसर्ट कर देता हूँ। सो फर्स्ट, पहले मैं टारगेट करूँगा ahref, और जिस भी URL पर मुझे ये टारगेट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अभी हैश डाल देता हूँ ताकि ये कहीं पे भी विजिट ना करे। एंड इसके अंदर मुझे रखना है इमेज, ये इमेज मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया।
एंड इसके अलावा जो मुझे इसमें एल टैग देना है वो भी मैं दे देता हूँ। और ये मेरा हो गया यहाँ पर इंसर्ट, और इसको मुझे डन कर दिया। अनडन करने के बाद अभी मुझे रिफ्रेश करके देखना है कि हेडर पर मेरा इमेज कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर हेडर पे मुझे यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं दिख रहा है, तो मुझे चेक करना रहेगा कि ये क्यों नहीं दिख रहा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको इसको ड्रैग करना है हेडर का मुझे सेटिंग चेक करने के लिए, तो आप इसको HTML कंटेंट आप मेन साइड बार में भी रख सकते हैं। एंड मेन साइड बार में रखने के बाद हम सर्च करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये इमेज विजिबल हो गया, और ये इमेज हेडर में विजिबल नहीं हो रहा था। तो उसका रीजन है डिपेंड्स के हमारे वर्डप्रेस के थीम के अंदर क्या सेटिंग है, क्या ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि हेडर में इंफॉर्मेशन क्यों डिस्प्ले नहीं हो रही। विजेट्स के ऑप्शंस है, वो फुटर सेक्शंस है, फुटर टू सेक्शंस है, एंड फुटर एरिया, फुटर विजगेट्स एरिया 1, 2, 3, 4। सो ये दो सेक्शंस है, यहाँ पर भी हम कुछ चीज यूज कर सकते हैं। लेट्स ड्रैग इट। एंड इसके अलावा रिसेंट कमेंट, रिसेंट कमेंट हमारे इसमें कुछ भी नहीं होगा। एंड सेकंड में हम ले लेते हैं रिसेंट पोस्ट, एंड इसमें रिसेंट पोस्ट में डिस्प्ले पोस्ट डेट ये एक ऑप्शन देता है। सो लेट्स इसको भी इनेबल कर दीजिए, एंड रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा ये विजगेट्स एरिया किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमारा एरिया बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कुछ भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। सो लेट्स हम डिस्प्ले करते हैं हमारा कस्टमाइजेशन सेक्शन, और यहाँ से हम देखेंगे कि क्यों ये थीम्स फुटर और फुटर 1, फुटर 2 को डिस्प्ले नहीं करा रहा। मे बी समटाइम्स ये चीज़ यहाँ से हाइड होती है। सो देखिए ये फुटर बार है, फुटर विजगेट्स है। सो यहाँ पर फुटर विजगेट्स जो है वो डिसेबल किया हुआ है, जिस तरह से हमने दो विजगेट्स को ऐड किया। सो हमें यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है लेआउट 4। लेआउट 4 सिलेक्ट करेंगे तो हमारा देखिए फुटर विजगेट्स यहाँ पर अवेलेबल हो गया, फुटर विजगेट्स 1, 2, 3, 4, ये जो 4 एरिया थे। और इस तरह से हम इसको पब्लिश कर देंगे। एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो है फुटर बार, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है फुटर बार भी डिसेबल था, जिसको हम चेंज कर सकते हैं कि फुटर बार हमें कैसा चाहिए। एक सेंटर पे एंड नीचे 3 डॉट्स, और इसके अंदर जो फुटर बार 1 में सेक्शन में क्या आएगा विजगेट्स, तो हम डिफाइन कर सकते हैं विजगेट्स। फुटर बार 2 में क्या ऑप्शन कंटेंट रहेगा वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं विजगेट्स। सो ये दो ऑप्शन यहाँ पर आ गए कि फुटर 1 में क्या है एंड फुटर 2 में क्या है। सो यहाँ पर हम फुटर 1 में विजगेट्स दिया हुआ है, फुटर 2 में भी विजगेट्स है। अगर हमें ये कंटेंट विजगेट्स के थ्रू नहीं चाहिए तो हम टैक्स लिख सकते हैं, फुटर मेनू लिख सकते हैं। तो ये सब सारी सेटिंग्स जो है डिपेंड करता है थीम के ऊपर, किस तरह से थीम में दिया उसको आपको कर देना है पब्लिश। अभी हम वापस से विजगेट्स एरिया में पहुंचेंगे जब, तो ये जो सेक्शन है आप देख रहे होंगे ये सेक्शन को हम चेंज करते हैं। सो यहाँ पर जो सेक्शन था रिसेंट पोस्ट को हम इसको ले लेते हैं टॉप पर, एंड टेक्स्ट वाले को हम छोड़ देते हैं नीचे। एंड इसके बाद हम इसको कर देते हैं रिफ्रेश हमारे साइट्स को, और देखते हैं चेक करके कि किस तरह से फुटर विजगेट्स 1 एरिया में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, एंड रिसेंट पोस्ट ये हमारा इस तरह से आया है जो कि नहीं सुटेबल लग रहा है। सो मैं जस्ट इसको 1 ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको बता देता हूँ कि अगर मैं ये फुटर विजगेट्स 1 में हमारे रिसेंट पोस्ट को लगता हूँ तो किस तरह से आपको ये वेबसाइट दिखेगा। तो विजगेट्स का क्या क्या रोल है, अभी आप देखेंगे रिसेंट पोस्ट ये टाइटल आ गया, ऑटोमेटिकली ये पोस्ट आ गए एंड पोस्ट विद लिंक के साथ आए। तो आपको कोई भी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें वेरी इजीली कर सकते हैं। सो ये हमारा रहा टॉपिक आज का कि विजगेट्स क्या है, विजगेट्स को किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड साइड बार क्या है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको डेफिनेटली लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, बने रहें हमारे इस वीडियो सीरीज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।